मुआज़्ज़िज़ सामईन हज़रात, शबनम म्यूजिक और एनडीजे जुनेजा पेश कर रहे हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का ये बड़ा हसीन वाकया। आप तफसील से सुनेंगे किस तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और फिर आप किस तरह धीरे धीरे जवानी के आलम में पहुंचे, किस तरह आपने अपनी जिंदगी के 30 साल उसी जालिम फिरौन के महल में गुजारे जो अपने आप को खुदा कहलवाता था, और उसने क्या क्या जुल्म किए उन बच्चों पर जो माएँ जन्ने वाली थीं, और फिर इसका अंजाम क्या हुआ। अल्लाह जिसको रखे उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये बात साफ जाहिर है। ये कलाम लिखा है जनाब कारी अनवार आलम साहब ने, म्यूजिक के फराइज अंजाम दिए हैं किशोर मल्होत्रा जी ने। ये रिकॉर्डिंग है एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली की, रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं। आइए हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाकया मुलाहिजा कीजिएगा। है कुरान पाक में अनवार ये लिखा सुनो, है कुरान पाक में अनवार ये लिखा सुनो, है कुरान पाक में अनवार ये लिखा सुनो, हजरत मूसा का और फिरौन का किस्सा सुनो, हजरत मूसा का और फिरौन का किस्सा सुनो, हज़रत मूसा का और फिरौन का किस्सा सुनो, हज़रत मूसा का और फिरौन का किस्सा सुनो। मिस्र में इसकी हुकूमत थी बड़ा मलून था, कहलवाता था खुदा खुद को वो जो फिरौन था, 400 कुछ साल की इसको मिली थी जिंदगी, हर बलाओ मर्ज से थी साफ इसकी जिंदगी, जाल साजी का बिछाया जाल इसने मिस्र में, अपना कायम कर लिया इकबाल इसने मिस्र में, ना समझ थे फंस गए इस जाल में इंसान, फिर कर दिया अपनी खुदाई का वहां ऐलान, फिर जिसने माना रब इसे बख्शा उसे फिरौन ने, जो न माना कत्ल उसको कर दिया मलून ने, महल एक दरिया किनारे इसने बनवाया अजीम, नाम ऐनुल शम्स रखा तूल था उसका अजीम, एक नहर दरिया किनारे से महल तक आई थी, हौज भी बनवाया और सोने से वो सजवाई थी, पानी दरिया से निकल कर नहर में आता था वो, पानी दरिया से निकल कर नहर में आता था वो, पानी दरिया से निकल कर नहर में आता था वो, महल से होता हुआ दरिया में मिल जाता था वो, महल से होता हुआ दरिया में मिल जाता था वो, महल से होता हुआ दरिया में मिल जाता था वो।
से वो जीता था, बड़ा मक्कार था, काम लेता अक्ल से जालिम बहुत अय्यार था। खून बहाना बेबसों का इसका शेवा आम था, मिस्र में चारों तरफ मशहूर इसका नाम था। लोग डरते थे इसे, कहते थे वो अपना खुदा, कुछ खबर उनको नहीं थी कौन है अपना खुदा। ख्वाब देखा एक दिन फिरौन ने सोते हुए, दो शजर दरिया किनारे पर जो थे ऊपर गए। सुबह को हर एक नजूमी को बुलाया महल में, ख्वाब फिर अपना सभी उनको बताया महल में। ख्वाब की ताबीर बतलाओ मुझे होना है क्या, ये कहा हर एक नजूमी ने अभी रोना है क्या। उसकी किस्मत के सितारे देख कर थर्रा गए, किस जबां से राज बतलाए सभी घबरा गए। अर्ज की गर जान की पाए अमा बतलाए हम, अर्ज की गर जान की पाए अमा बतलाए हम, अर्ज की गर जान की पाए अमा बतलाए हम। होने वाली है जो कल इस बात को समझाए हम, होने वाली है जो कल इस बात को समझाए हम, होने वाली है जो कल इस बात को समझाए हम। ये कहा फिरौन ने बेखौफ बतलाओ मुझे, जान बख्शी है तुम्हारी जल्द समझाओ मुझे। बोले वो इस साल एक लड़का जहां में आएगा, उसके हाथों आपका जोरे हुकूमत जाएगा। उसके जेरे हुक्म होंगे लोग सारे बादशाह, ये बताते हैं हमें किस्मत के तारे बादशाह। आने वाली तीन रातों में ये सब हो जाएगा, बाप के नुक्फे से वो माँ के रहम में आएगा। सुन के नाला था उसे जब राज ये समझा दिया, ममलिकत में हर तरफ ऐलान ये करवा दिया। आदमी कोई भी ये गलती से ना जुर्रत करे, अपनी बीवी से कोई इंसान भी ना सोहबत करे। कत्ल कर दूंगा उसे जो हुक्म टालेगा मेरा, मैं खुदा हूँ याद रखना नाम है आला मेरा। आगे जा सकता नहीं इंसान कभी तदबीर से, आगे जा सकता नहीं इंसान कभी तदबीर से, आगे जा सकता नहीं इंसान कभी तदबीर से। लेना पड़ता है वही मिलता है जो तकदीर से, लेना पड़ता है वही मिलता है जो तकदीर से, लेना पड़ता है मिलता है जो तकदीर से। पहरा हर घर पर लगा कर पा लिया आराम को, कर दिया कुदरत ने यूं एक रात में इस काम को। एक इंसान जान से फिर ऑन पर कुर्बान था, नाम था इमरान उसका नेक
बच्चे थे घर, उसकी तबीयत शाद थी। एक थे हारून, एक मरियम, यही औलाद थी। था नदीमों में अहम, फिर ऑन एक दिन सो गया। पहरा देने के लिए इमरान हाजिर हो गया। बीवी को इमरान की फिर शौक सोहबत का हुआ। चल पड़ी घर से न कुछ एहसास इज्जत का हुआ। आ गई छुपती छुपाती महल में फिर आन के। पहरे पे हाजिर थे शौहर उस घड़ी मलून के। देखा बीवी को नदामन सब्र का था हाथ में। हो गए वासिल वहीं दोनों खुशी के साथ में। हजरत मूसा शिकम में वालिदा के आ गए। हजरत मूसा शिकम में वालिदा के आ गए। हजरत मूसा शिकम में वालिदा के आ गए। बीवी रुखसत हो गई, इमरान भी शर्मा गए। बीवी रुखसत हो गई, इमरान भी शर्मा गए। बीवी रुखसत हो गई, इमरान भी शर्मा गए। सब ही सोते रह गए, कोई खबर उनको न थी। बात थी बस ये खुदा के इल्म में इस रात की। काहिनों को फिर बुलाकर इसने ये पूछा, तभी लड़का वो पैदा हुआ है या नहीं बोलो अभी। आ गया माँ के शिकम में, काहिनों ने कह दिया। और गुज़िश्ता रात का सब हाल उससे कह दिया। हुक्म जारी हो गया फिर आन जालिम का। तभी लड़का जो पैदा हो उसको कत्ल कर देना। तभी जो हमल से औरतें थीं उनको पहचाना गया। दाया ने तहकीक की फिर ये सितम ढाया गया। जो भी माँ जनती थी लड़का कत्ल कर देता था वो। लड़कियों को छोड़ देता, माल जर देता था वो। सैकड़ों नौजायदा बच्चों का खून बहने लगा। बिलबिलाती रह गई माओं का दिल कहने लगा। जुल्म हम पर कब तलक फिर ऑन करता जाएगा। जुल्म हम पर कब तलक फिर ऑन करता जाएगा। जुल्म हम पर कब तलक फिर ऑन करता जाएगा। मौत जब फिर ऑन की होगी वो दिन कब आएगा। मौत जब फिर ऑन की होगी वो दिन कब आएगा। मौत जब फिर ऑन की होगी वो दिन कब आएगा। एक दिन रोटी बनाने आ गई मूसा की माँ। दर्द जह जारी हुआ, घबरा गई मूसा की माँ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह फिर पैदा हुए। शक्ल मूसा पर जमीनों आसमा शैदा हुए। वालिदा के शिकमे अतहर से निकल आए कलीम। देखती ही रह गई वो हुस्ने ज़ेबाए कलीम। आ गए फिरौन के फौजी फुगा करती थी वो। कत्ल हो जाएगा अब बच्चा
कपड़े में लपेटा, रख दिया तंदूर में, उस पे एक हांडी चढ़ा दी, छुप गया तंदूर में, हाथ फेरा पेट पर, उसमें हमल पाया नहीं, हो गए रुखसत कभी कोई इधर आया नहीं, अपने गालों पर तमाचे मार कर रोती थी वो, मैंने बच्चा मार डाला मुजतरिब होती थी वो, देखा जब मूसा नबी को हाथ में एक सेब था, देखा जब मूसा नबी को हाथ में एक सेब था, देखा जब मूसा नबी को हाथ में एक सेब था, खेलते थे आप उसमें इंतजामे गैब था, खेलते थे आप उसमें इंतजामे गैब था, खेलते थे आप उसमें इंतजामे गैब दूध बच्चे को पिलाया उसमें चलती रात में, बंद किया संदूक में उनको अंधेरी रात में, नील दरिया में बहाया आपने संदूक को, माँ ने फिर बेटी को भेजा देखने संदूक को, ये कहा तू इसके पीछे जा मेरी नूरे नजर, ठहर जाए ये जहां तू मुझको आकर दे खबर, चल पड़ा संदूक दरिया से जो कटती थी नहर, रुक गया बहता हुआ फिर ऑन के वो हौज पर, तख्त पर फिर ऑन था और आसिया बीबी थी वो, साथ में फिर ऑन के उस दम वहां बैठी थी वो, फिर नजर संदूक पर फिर ऑन जालिम की पड़ी, आसिया को जब बताया हो गई वो भी खड़ी, हौज से संदूक लाई आसिया बीबी, तभी खोल कर देखा तो उसमें शक्ल पाई चांद सी, हो गया फिर ऑन आशिक उनके रूए पाक पर, हो गया फिर ऑन आशिक उनके रूए पाक पर, हो गया फिर ऑन आशिक उनके रूए पाक पर, बोला वो तारा नहीं ऐसा कोई अफलाक पर, बोला वो तारा नहीं ऐसा कोई अफलाक पर, बोला वो तारा नहीं ऐसा कोई अफलाक पर। आसिया बोली हुआ हम तुमको मंजूरे नजर, कत्ल तुम इसको न करना है मेरा नूरे नजर, को तुम्हें फिरौन ने मूसा नबी को ले लिया, ताया बुलवाओ यहाँ ये हुक्म उसने दे दिया, बहुत सी ताया गई पर दूध वो पीते न थे, बहन थी हाजिर मगर हालात कुछ अच्छे न थे, बहन बोली जानती हूँ एक दाया को जनाब, मैं बुला लाऊं उसे करचे इजाजत हो जनाब, इज्न पाकर आ गई और अपनी माँ से ये कहा, दूध भाई को पिलाओ हुक्म है फिर ऑन का, मेरा भाई है महल में तुमको दाया कह दिया, मैंने देखा है किसी का
देने लगे। दूध माँ का शौक से मूसा नबी पीने लगे। 30 दीनार एक महीने की ये उजरत तय हुई। 30 दीनार एक महीने की ये उजरत तय हुई। 30 दीनार एक महीने की ये उजरत तय हुई। दूर काफी अब बलाए फिक्र गम उनसे हुई। दूर काफी अब बलाए फिक्र गम उनसे हुई। दूर काफी अब बलाए फिक्र गम उनसे हुई। एक दिन फिरौन ने उनको उठाया गोद में। दाढ़ी उसकी आपने पकड़ी थे मूसा गोद में। एक तमाचा उसके मुंह पर आपने मारा। तभी जिल्लतें महसूस की फिरौन ये बोला। तभी ये वही बच्चा है इसको कत्ल करता हूँ अभी। आसिया बोली नहीं रहने तो झूका तू अभी। ऐसी खसलत तो हर बच्चे में होती है जनाब। आजमाने के लिए कुछ और हो हर बेजना। दश्त में एक लाल भर कर इस जगह लाया वजीर। दूसरे में आग थी फिर ऑन से बोला वजीर। हाथ बच्चा आग में डाले तो वो बच्चा नहीं। लाल छूले तो वही बच्चा है मैं झूठा नहीं। लाल पर जब हाथ पहुंचा आपका जिब्रील ने हाथ उनका आग पर फिर रख दिया। जिब्रील ने अपने मुंह में रख लिया मूसा ने अंगारा। तभी अपने मुंह में रख लिया मूसा ने अंगारा। तभी अपने मुंह में रख लिया मूसा ने अंगारा। तभी जल गई उनकी जबां सबको यकीन आया। तभी जल गई उनकी जबां सबको यकीन आया। तभी जल गई उनकी जबां सबको यकीन आया। सालों तक रहे मूसा महल में शान से। फिर मदीन और मिस्र को हिजरत की कुछ अरमान से। वाकया मूसा की पैदाइश का है लिखा फकत। जो के है तफसील से ये जिक्र मूसा का फकत। किस तरह तबलीग की और किस तरह शादी हुई। हजरत मूसा नबी की खाना आबादी हुई। मोजिज़े मूसा से क्या क्या दोस्त तो जाहिर हुए। कौन सी राहों से गुजरे किस जगह हाजिर हुए। किस तरह शर्फे कलाम अल्लाह ने बख्शा उन्हें। फिर दोबारा किस तरह फिरौन ने देखा उन्हें। एक तजल्ली से खुदा की पारा पारा हो गया। किस तरह से तूर जलकर खाक सारा हो गया। जिंदगी बाकी रही तो कर दिखाएंगे कभी। दास्तां मूसा नबी की फिर सुनाएंगे कभी। कुछ भी अल्लाह पाक से अनवार पोशीदा नहीं। कुछ भी अल्लाह पाक से अनवार पोशीदा नहीं।
कुछ भी अल्लाह पाक से अनवार पोशीदा नहीं, वो निराली जात है कोई शरीक उसका नहीं, वो निराली जात है कोई शरीक उसका नहीं, वो निराली।